गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर के लिए गणित शिक्षण की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम पाठ्यक्रम की और पाठ्यपुस्तक इकाई पढ़ रहे थे, इसमें हमने पाठ्यक्रम के पोर्शन को पूरा अच्छे से पढ़ा और उसको समाप्त किया। आगे हमारा नया टॉपिक कल से स्टार्ट हुआ है, पाठ्य पुस्तकें, गणित की पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तक का विवेचन पढ़ा हमने, कल हमने उसके महत्व के पाठ्य पुस्तक क्यों आवश्यक है उसके महत्व और उपयोगिता को जाना और विशेषता को देखा, पाठ्यपुस्तक की भाषा समझी और पाठ्यपुस्तक का महत्व समझा। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता। ठीक है, वो तो उसका महत्व आगे किस कारण पाठ्यपुस्तक को हम एक शिक्षण सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, अध्यापक के मार्गदर्शक के रूप में यूज लेते हैं पाठ्यपुस्तक को, विद्यार्थी के अधिगम मित्र के रूप में हम पाठ्यपुस्तक को महत्वता देते हैं। तो कल हमने उसके महत्व के बारे में जाना, आज हम उसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगी, पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता। आप गणित पाठ्यपुस्तक ले, हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए गणित पाठ्यपुस्तक की विशेषता पढ़ेंगे। बाकी अगर विषय में भी यही विशेषता रहेगी पाठ्यपुस्तकों की। ठीक है, तो प्रथम विशेषता है पाठ की प्रस्तावना के लिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन, कोई भी शिक्षण कार्य करवाते समय या अधिगम की प्रक्रिया बालक अधिगम करते समय जो इकाई की प्रस्तावना होगी वो कहाँ से उठाएगा, पाठ्यपुस्तक से लेगा। ठीक है, जैसे हमें गणित शिक्षण में मानो जैसे लाभ हानि पढ़ाना है या कुछ भी साझा के टॉपिक पढ़ाना है, समानुपात अनुपात जैसे चीज़ें करानी है, रेखाकरण ज्यामिति करवानी है, त्रिकोणमिति करवानी है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी इकाई करवानी है, उसकी पहले प्रस्तावना की जाती है। वो प्रस्तावना बुक में ऑलरेडी छपी हुई होती है, तो उसका एक आधार मिल जाता है हमको प्रस्तावना करते वक्त कि इस टॉपिक में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्रम मूल्य का कैसे क्रम मूल्य करेंगे, फिर लाभ और हानि करेंगे, लाभ परसेंट हानि परसेंट करेंगे, बट्टा साझा निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, इस तरह पूरा एक प्रस्तावना में विवरण दिया होगा एक पाठ्यपुस्तक में। तो उस प्रस्तावना की हम उस प्रस्तावना के लिए क्या उपयोगी रहेगी, एक पाठ्य पुस्तक। ठीक है, क्या उपयोगी रहेगी, पाठ्य पुस्तक उपयोगी रहेगी। ठीक है, सेकंड है स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय कल भी हमने पढ़ा था, स्वाध्याय का मतलब क्या होगा, सेल्फ रीडिंग, मतलब आप खुद बुक लेकर कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं, किताब की सहायता से समझ सकते हैं और उसको रीड मार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका रिविजन कर सकते हैं, उससे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पाठ्यपुस्तक किस लिए रहेगी, स्वाध्याय के लिए, क्योंकि व्याख्यान के द्वारा या किसी भी विधि द्वारा, किसी भी शिक्षण द्वारा कोई टॉपिक अगर पढ़ाया जाता है उसका वापस जाकर घर पे अभ्यास करना या उसको स्वयं पढ़ने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। तो पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय के लिए उपयोगी। सेकेंड आता है प्रयोगशाला। ठीक है, मुख्य रूप से विज्ञान और गणित शिक्षण की जो पाठ्यपुस्तक होती है वो प्रयोगशाला में दी जाती है, क्योंकि प्रायोगिक पुस्तकें अलग निकलती है। जैसे विज्ञान के हम मानो पांच प्रयोग समझाने हैं तो वो पांच प्रयोग पहले कॉपी में किताब में छपे हुए होते हैं, उसके आधार पर बालक एक अध्ययन सामग्री को देखकर स्टेप बाय स्टेप एक प्रयोग को कर सकता है। तो प्रयोगशाला में भी इसका यूज है। ठीक है, जैसे उसी प्रकार जैसे रेसिपी देखकर खाना बनाते हैं उसी प्रकार हम पुस्तक देखकर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाठ्यपुस्तकों का उपयोग कहाँ अच्छे से होता है, प्रयोगशाला में भी उसका यूज है। फिर कक्षा कार्य, क्लासवर्क देने और गृह कार्य के लिए। ठीक है, अब गृह कार्य पर होमवर्क देगा तो पाठ्यपुस्तक में से देना पड़ेगा, तो पाठ्यपुस्तक ही नहीं होगी तो फिर गृह कार्य कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक किसमें आएगी, होमवर्क में यूज आ जाएगी और क्लासवर्क में भी यूज आ जाएगी। ठीक है, एक निश्चित क्रम वाइज पाठ्यपुस्तक में सब्जेक्ट दे रखे होते हैं, फिर इकाई दे रखी है, इकाई में भी प्रश्न भी एक लेवल के हिसाब से दिया होता है। जैसे कि अगर प्रत्येक स्तर का बच्चा है तो प्लस है, माइनस है, फिर इनको इकाई आती है, फिर बाकी क्रिया सफल होती है, एक स्टेप बाई स्टेप दे रखे होते हैं। इसके कक्षा कार्य के लिए भी पाठ्यपुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक, इम्पोर्टेंट सहायक सामग्री साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पत्रों का निर्माण। ठीक है, मुख्य रूप से परीक्षा दी जाती है आपकी, तो किसके आधार पर सिलेबस बनेगा, पाठ्यपुस्तकों के आधार पर बनेगा और प्रश्न पत्र भी किस आधार पर बनते, पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही बनेगी। एक निश्चित पाठ्यपुस्तक दी जाती है कि आपकी मैथमेटिक्स की 10वीं की, 6वीं की, 7वीं की ये पाठ्यपुस्तक है,
इसी को ही आपको साल भर पढ़ना है अच्छे से, और परीक्षा भी इसमें से ही होगी। तो एक सिंपल वे में एक शिक्षा हो सकती है। नहीं तो क्या होगा कि अगर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, आपको बस बताया जाता है कि आपकी परीक्षा ली जाएगी गणित की, तो इससे क्या होगा कि हर स्तर पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही नहीं है, माध्यमिक के लिए सही नहीं है, तो ये एक निश्चित पाठ्य पुस्तक होना जरूरी है। तो प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए ये उपयोगी। फिर आते हैं उदाहरणों को समझाना और चित्रों को समझाना। गणित में आपने देखा होगा इकाई शुरू होने से पहले फिर एक दो स्टेप पे उसकी प्रस्तावना होती है, फिर उसके क्या हो गया नियम होंगे, कुछ फॉर्मूले लिखे होते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल, उसमें उदाहरण देते हैं, पाँच छः उदाहरण सॉल्व करके आपको दे रखे होते हैं कि इस आधार पर ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है। तो उदाहरण देखकर भी हम आगे के स्टेप प्रश्नावली सॉल्व कर सकते हैं। तो उदाहरण समझाने के लिए भी पाठ्यपुस्तक देंगे, फिर चित्रों को समझाने के लिए भी पाठ्यपुस्तक। जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ, कई चित्र दे रखे होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में ट्राइंगल दे रखा होता है, सर्कल दे रखा होता है, रेक्टेंगल दे रखा होता है, आयत दे रखा होता है, तो ये बुक में दे रखे होते हैं ना, तभी अपन को पता चलता है अच्छा त्रिभुज ऐसा होता है, इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। आकृतियों और चित्रों को समझाने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए पाठ्य पुस्तकें उपयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति के लिए। पाठ्य वस्तु मतलब जो क्लास में आपको पाठ्य वस्तु पढ़ाई गई है, जैसे टॉपिक पढ़ाया गया ज्यामिति में कोई भी टॉपिक पढ़ाया, जैसे ट्रायंगल पढ़ाया गया, त्रिभुज पढ़ाया गया, तो उसकी पुनरावृत्ति आप कहाँ से करोगे? क्योंकि व्याख्यान तो एक बार होगा, शिक्षक आपको उसकी कोई भी शिक्षण विधि अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसके आधार पर आपको एक बार बता सकता है, दो बार बता सकता है आप क्लासरूम में जैसा पूछोगे, परंतु वो हर बार आपको नहीं बता सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? रिविज़न चाहिए। किसके आधार पर करोगे? पुस्तक के आधार पर करोगे। तो पुस्तक रिविज़न में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पुस्तक रिविज़न करेंगे में पुनरावृत्ति करने में। फिर आता समय की मित्रता। समय की मित्रता मतलब जो दुरुपयोगी समय जा रहा है उसको हम सही पाठ्य पुस्तक द्वारा मितव्यय कर सकते हैं उसका। जैसे कक्षा कक्ष में टीचर का शिक्षण समाप्त हो गया, बच्चों ने सीख लिया, अधिगम सीख लिया, प्रोसेस सीख ली, मैथमेटिक्स में प्रोसेस सीख ली, साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में हमने वो प्रोसेस सीख ली कि अच्छा इसी कहीं को ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके मितव्यय कैसे करेंगे? हम बुक वापस घर जाकर अध्ययन करेंगे, जब एग्जाम होगा तब हम किताबों से पढ़ेंगे, तो इन सभी चीज़ों का हम एक पर्टिकुलर समय का क्या कर रहे हैं, यूजफुल यूज़ कर रहे हैं, मितव्यय कर रहे हैं, मतलब समय का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट अंतिम आता है पिछड़े विद्यार्थियों के सहायक के लिए। जो पिछड़ा विद्यार्थी होता है, जैसे पिछड़ा विद्यार्थी मतलब किसी भी स्तर पर पिछड़ा रह सकता है, मतलब उसका अधिगम की प्रोसेस सामान्य बालकों की तरह कम है, कई मनोवैज्ञानिक मैंने बुद्धिलब्धि के आधार पर बांटा, कई व्यक्तिगत क्षेत्रों के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कई कारण है पिछड़े बालकों का। ठीक है, मुख्य रूप से हम कक्षा कक्ष में क्या मानते हैं, मानसिक कारण, ठीक है, और अधिगम कारण मानसिक। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए पुस्तकें बहुत ही आवश्यक रूप से बनते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तो क्या करेगा, जो शिक्षक होगा वो टीचर होगा उसकी व्याख्यान को कैचअप कर लेता है, हाव भाव को कैचअप कर लेता है, और अलग अलग वस्तुओं को चित्रों को देखकर वो अलग अलग। पर जो पिछड़ा बालक होगा उसके लिए अंतिम उपाय क्या रहेगा, अगर उसकी जब टीचर की भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है, टीचर की विधि उसको समझ में नहीं आ रही, तो अंतिम उपाय वो क्या देखेगा, वो देखेगा किताब, बुक देखेगा। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक देखेगा। तो पिछड़े विद्यार्थियों के सहायक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पूर्ण रूप से सहायक, पूर्ण रूप से निर्भरता नहीं बोल सकते पिछड़े बालकों में, कि पूर्ण रूप से पिछड़े बालक के विकास में एक अध्यापक का सहयोग रहता है, पर एक सहायक सामग्री के रूप में कौन मिल जाएगी, पुस्तक ली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक के उपयुक्त है, किन किन हम टॉपिक को देख सकते हैं, किन किन और भी कई उपयुक्त है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की और भी कई उपयुक्त है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और अब आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लासों में हम इसकी कुछ विशेषता, उद्देश्य, साहित्य, सिद्धांत पढ़ेंगे कि किन किन सिद्धांत को एक सब्जेक्टिव पाठ्य पुस्तक की रचना होती है, फिर इसके कई भी सब डिविजन हैं, इन कक्षाओं को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।